और कई आदमी थोड़ा कह राहुल तो भाई न्यू भाई मामने एक बात बताओ, राहुल गांधी ने उसके मुकाबले उड़ती राहुल का सींग जमे उड़े होने चाहिए भाई, आत्मा रहे अट्टा कट्टा रहा सब तो हेल्दी रहा और एक इतने अच्छे फैमिली से इंदिरा गांधी का पोता, राजीव गांधी का लड़का और फिर मेंबर पार्लियामेंट और अंग्रेजी इतनी फास्ट, इसका तो सारा दुष्प्रचार ही कर रखे है। राहुल गांधी के सामने तो मोदी एक पाली है, वो तो कहीं भी नहीं टिक सकता। के कह है भाई मैंने चाय बेची के कलाबाजी कर दी भाई, इब कोई आदमी कह दे मन तो भाई खेत में गेहूँ बोया या पानी सींचा तो ठीक है नॉर्मल बात है उन्होंने करी है, अरे चाय बेचने में कौन सी कलाबाजी करनी पड़े है, किस से कह दे वो चाय बेचे कौन सा अजूबा है, अजूबा तो राहुल गांधी का है जो 3700 किलोमीटर पदयात्रा कर रहा है, जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन लाग रहा है, अजूबा तो ही ना कहें। अरे लमन चाय बेची, अरे चाय कोए बना ले कोए बेच ले घर घर हर एक आदमी जेंट्स भी लेडी कोए भी चाय बना इम अजूबा, मतलब देखना कितनी झूठ तूफान मीडिया का फैलाने की एक एक बड़ी ही बात भी खाम खानी फैला कर चाय बेची, अरे चाय बेची कौन सा तने केला तोड़ दिया के केला टूट गया ना, ये तो जनता नहीं हुआ, हम तो सारा उलगा नहीं गया टोटली जनता नहीं हुआ। पर भाई यो मोदी रोली करे है, यो भाई सारी यूएमआर यो भाई घने काम करे है, भाई तो भाई कत्ती रोली खोली करे भाई जनता तो सारी हुई गैल से, पर यो तो बदमाशी पर गुंडागर्दी तानाशाही पर ही का क्या इलाज क्यों करो है, उसका इलाज ये होगा जब सारी जनता है राहुल गांधी गल होगी, रोली कोली करनी अभी सारे मर गए होंगे राहुल गांधी गल उन काम में कौन करेगा, एक जलजला आ जाएगा पूरी लहर आ जाएगी सुनामी जिसमें सब लक्कड़ कंकर पत्थर पेड़ दरखत सब डह जाए। अच्छा एक ऑर्थोडॉक्स सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आज राहुल गांधी जी जब आए तो क्या विजेंद्र माजरा को इस बात की तकलीफ हुई कि स्टेज शायद हुड्डा गुट ज़्यादा आज अपर दिखाई दिया और सुरजेवाला साहब शायद थोड़ा सा मतलब हाथ है वो ऐसा दिखाई दिया, महसूस हुआ ऐसा कुछ? अरे नहीं यार, हुड्डा साहब इतने बड़ी आदमी, उन्होंने 10 साल इतना विकास करवाया हरियाणा का, दीपेंद्र इतना मखमली छोरा और फिर वो मेहनत कर रहे हैं टीम है, उमा रणदीप कहाँ पीछे है, रणदीप उनके बराबर का कद्दा और नेता हमारे नेता है रणदीप सुरजेवाला जी, दीपेंद्र हमारा लाडला भाई है। अच्छा देखिए जब मतलब केंद्र का जब चुनाव होता है ना तो जो दोनों पार्टियों के प्रधानमंत्री के चेहरे होते हैं उनमें जरूर तुलना होती है, जनता तोल के देख लेती है। अगर आज की अगर बात करें तो मोदी वर्सेज अगर राहुल की तुलना की जाए तो आप किसे बेहतर मानते हैं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, शायद आप राहुल कहेंगे, अगर आप राहुल कहेंगे तो क्यों मोदी से वो बेहतर है, वो विजेंद्र माजरा को है और आज के दिन लगते हैं? बताता हूँ, मोदी जी प्रचार और मीडिया लेकर और अपना बनावटी मुखौटा बनाए हुए, राहुल गांधी तो इतना पढ़े लिखा इतना सहनशील समझदार शाणा ईमानदार और मानवता हिंदुस्तान के गिने मिने आदमियों में होगी जितनी मानवता राहुल गांधी जी के अंदर है। और कई आदमी थोड़ा कहते राहुल तो भाई न्यू भाई मामने एक बात बताओ, राहुल गांधी ने उसके मुकाबले उड़ती राहुल का सींग जमे उड़े होने चाहिए भाई, आत्मा रहे अट्टा कट्टा रहा सब तो हेल्दी रहा और एक इतने अच्छे फैमिली से इंदिरा गांधी का पोता, राजीव गांधी का लड़का और फिर मेंबर पार्लियामेंट और अंग्रेजी इतनी फास्ट, इसका तो सारा दुष्प्रचार ही कर रखे है। राहुल गांधी के सामने तो मोदी एक पाली है, वो तो कहीं भी नहीं टिक सकता, पढ़ा लिखा इतना ना, सच्चा इतना ना, ईमानदार इतना ना, सारी किताब खोल कर रख रखी है, देखो भाई कि कहीं कोई चीज़ हो और अब खुले मैदान में चल रहा है तो उसकी तुलना में तो कहीं भी नहीं टिक रहा, वो तो नरी झूठक में बी ए पढ़ रहा हूँ। अच्छा के कह है भाई मैंने चाय बेची के कलाबाजी कर दी भाई, इब कोई आदमी कह दे मन तो भाई खेत में गेहूँ बोया या पानी सींचा तो ठीक है नॉर्मल बात है उन्होंने करी है, अरे चाय बेचने में कौन सी कलाबाजी करनी पड़े है, किस से कह दे वो चाय बेचे कौन सा अजूबा है, अजूबा तो राहुल गांधी का है जो 3700 किलोमीटर पदयात्रा कर रहा है, जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन लाग रहा है, अजूबा ही ना कहें। अरे लमन चाय बेची, अरे चाय कोए बना ले कोए बेच ले घर घर हर एक आदमी जेंट्स भी लेडी कोए भी चाय बना इम अजूबा, मतलब देखना कितनी झूठ तूफान मीडिया का फैलाने की एक एक बड़ी ही बात भी खाम खानी फैला कर चाय बेची, अरे चाय बेची कौन सा तने केला तोड़ दिया के केला टूट गया इमें। चलिए आप समझ गए इन बातों को, क्या जनता भी समझ चुकी है इन बातों को? सुनो अब जनता समझ चुकी है और जनता के मन में राहुल गांधी के प्रति इतनी सहमति है और इतना विश्वास है, ये तो जनता नहीं हुआ, हम तो सारा राहुल गांधी गल टोटली जनता नहीं हुआ। पर भाई यो मोदी रोली करे है, यो भाई सारी यूएमआर यो भाई घने काम करे है, अरे भाई तो भाई कत्ती रोली खोली करे भाई जनता तो सारी गैल से, पर यो तो बदमाशी पर गुंडागर्दी तानाशाही पर ही का क्या इलाज क्यों करोगा,
उसका इलाज ये होगा, जब सारी जनता है राहुल गांधी गल होगी, रोली कोली करनी भी सारे मर गए होंगे राहुल गांधी गल, उन काम में कौन करेगा, एक जलजला आ जाएगा, पूरी लहर आ जाएगी सुनामी, जिसमें सब लक्कड़ कंकर पत्थर पेड़ दरखत सब डह जाएंगे। अच्छा एक ऑर्थोडॉक्स सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, आज राहुल गांधी जी जब आए तो क्या विजेंद्र माजरा को इस बात की तकलीफ हुई कि स्टेज शायद हुड्डा गुट ज़्यादा आज अपर दिखाई दिया और सुरजेवाला साहब शायद थोड़ा सा मतलब वो हाथ है वो ऐसा दिखाई दिया, महसूस हुआ ऐसा कुछ? अरे नहीं यार, हुड्डा साहब इतने बड़े आदमी, उन्होंने 10 साल इतना विकास करवाया हरियाणा का, दीपेंद्र इतना मखमली छोरा और फिर वो मेहनत कर रहे हैं, टीम है, उनमें रणदीप कहाँ पीछे है, रणदीप उनके बराबर का कद्दा और नेता, हमारे नेता है रणदीप सुरजेवाला जी, दीपेंद्र हमारा लाडला भाई है, हुड्डा साहब तो बहुत आदरणीय है, हम तो आपने मेरे मुंह से कभी देखो, मैं उस क्षेत्र का हूँ, तो ये नहीं है भाई, रणदीप जो है थोड़ा है मेरी ज़्यादा मेहर करता है, मेरे पे विश्वास ज़्यादा रहता है, हम 10 साल से इकट्ठा काम कर रहे हैं, ये बात है, लेकिन उसमें हुड्डा साहब को वो मंच पर बैठे, हुड्डा साहब तो बुजुर्ग है, रणदीप सुरजेवाला भी उनका आशीर्वाद और उनको इतना आदर करता है ये। लेकिन देखिए विजेंद्र माजरा तो ये चाहते होंगे ना कि अब कभी मान लो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आए तो सुरजेवाला जी आगे होने चाहिए। अरे ये 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 क्या इच्छा आपकी है? कल को सरकार आती है सुरजेवाला जी भी उतने ताकतवर रहेंगे, कोई मुख्यमंत्री के मैं बनो, सुरजेवाला जी मुख्यमंत्री बन जाओ, बनने चाहिए जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री कोई बन जाओ, सुरजेवाला जी लायक हैं वो तो, अरे वो तो उससे ऊपर इंडिया कांग्रेस, देखो अब 8 साल से इंडिया कांग्रेस को उठाने का जो जिम्मेवारी बेड़ा उठाया वो राहुल गांधी रणदीप सुरजेवाला ने उठाया, दो आदमियों ने, उन दो आदमियों ने उठाया, कांग्रेस को उठाना है उन्होंने उठाया, वो तो बहुत बड़े लेवल पर, देखो ये तो प्रदेश स्तर की बात है, उन तो इंडिया लेवल पर कसम खाली कत्ती उठाना है, दोनों चाल पड़े, अब तो सारा महकमा उठ गया, लेकिन एक वक्त ऐसा था 8-7 साल पहले आपको और आदमी थोड़े गोडे ढीले हो गए थे, तो इन दोनों ने गोडे ढीले नहीं करे, रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी ने आज तक नहीं करे, तो सरकार तो सबकी साथ जाएगी, सबकी होगी, इसमें कोई पीछे रहने की बात नहीं है। चलिए चलिए अभी जब राहुल गांधी जी आज अकेडा में यहाँ पास में ही हैं, रुके हुए हैं, तो अभी जैसे हमने देखा हम यहाँ पे खड़े हुए थे, काफिला कवर कर रहे थे, बिल्कुल एक पुरानी सिंपल सी इनोवा में राहुल गांधी है वो बिल्कुल आए थे, ये सिंपलिसिटी भी शायद लोगों को भा रही है, देखिए काफ़ी लग्जरी गाड़ियों में शायद वो चल सकते हैं लेकिन आज लोगों के मन को वो भा गए, एक सिंपल सी इनोवा में फ्रंट सीट पर बैठे हुए राहुल गांधी। मैं 10 साल से इतनी मुलाकातों में जानता हूँ, मैंने इतना सिंपल लीडर नहीं देखा, इतनी आत्मा का और उसके अंदर इंसानियत इतनी कूट कूट के भरी है, पेलूरे के लिए भी उसकी आत्मा इतनी बढ़िया है, एक किसी मतलब बकरी के बच्चे के लिए भी, इंसान के बच्चे के लिए, हम तो इंसानों में फर्क रहा, वो पशु पक्षियों को भी उसी में गिन रहा है, अगर पशु पक्षी भी हमारे उतने हैं उसी तरह हैं जैसे कुत्तों को कितना प्रेम करता है, कितना लाड करते हैं, तो उनका तो मुकाबला नहीं है इंसानियत पने में और प्यार में, और ये जो है प्यार बढ़ाने की ये तो कति घना पहले ठुक्या पड़े, मेरे जैसा एक बहुत साधारण परिवार से मैं एक आदमी हूँ, मेरे को इतने बढ़िया ढंग से वो हर बार अमूमन राहुल गांधी के साथ वीडियो किसी लीडर की नहीं होती, लेकिन हर बार वो मेरे को वीडियो की मुझे इजाज़त देते हैं, भाग्यशाली रहते हैं, नहीं वो अलाउड कर देते हैं और रुकवाते हैं, मैं कहता हूँ तो इनको अलाउड करो, मतलब उनका दिमाग में ही होगी, वो इतने ग्रास रूट का आदमी है, इसने घनी छल कपट रही है कि बेस का ना आनी, इसने कोई कुछ नहीं करना, उन्हें कन्फर्म है भाई, तो वो हमें अलाउड करते हैं, तो उनकी इंसानियत और वो इतना मेर विशेष हद से ज़्यादा प्रेम दिखाने वाली बात। चलिए आज राहुल गांधी से भी आप मिल लिए, काफ़ी देर आपकी बातचीत हुई, तो आप घर की तरफ रुख करेंगे या तीनों दिन यात्रा नहीं, में नहीं, घर का घर तो हो जाता है ना कि अब मुलाकात हो गई, हाजिरी लग गई, अब घर की तरफ चले। घर मैं तो सुनो, मैं तो परसों से आया हुआ हूँ, होल्डिंग वगैरह लगवाए, सारा रोड मैपिंग कराया, परसों से होल्डिंग लगवा रहे, यहीं छपवा रहे, सारा देख रहे, सारा कर रहे हैं सारे, और अभी तो ये जाने के बाद भी जाएंगे, क्यों सामान बिस्तरे वगैरह हैं, टेंट का सामान ले रखा है साथियों के लिए कर रखा, तो जाने के भी एक दो दिन बाद लग सकता है। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।